हाय दोस्तों, मेरा नाम जनेल चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसके गुण के अनुसार क्या होता है, यह मटेरियल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू द मटेरियल। मटेरियल मतलब मटेरियल के माध्यम से जो करंट का फ्लो हो उसको क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे, उसको रोके, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस को देखिए इसका सिंबल कैसे होगा, हमने अभी समझा रेजिस्टेंस क्या है, अब इसका सिंबल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल आपका ये इस तरह से आपका क्या बनेगा, ये होगा आपका रेजिस्टेंस का सिंबल, ये आपका कहलाएगा आर। क्लियर बात ना। आप देखिएगा ये चीज तो हमने समझी, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी वो होगी आपकी ओम भी, है ना, क्या होगी, ओम। अब दूसरी चीज हमें क्या समझना है, आखिर कोई भी मटेरियल है उसमें रेजिस्टेंस कब ऑफर्ड होगा। तो देखिए जैसे एक सपोज करिए ये कोई एक मटेरियल है हमने मान लिया, ठीक है। अब ये मटेरियल रेजिस्टेंस कैसे ऑफर्ड करेगा, जब इस पे करंट आई एम्पियर फ्लो हो तब, और उसके साथ साथ क्या हो, करंट तो फ्लो हो ही और इसके अक्रॉस क्या, मटेरियल के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो, प्राप्त हो। जब पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑब्टेंड होगा और करंट आई फ्लो होगा तब कोई भी जो है क्या मटेरियल क्या होगा, रेजिस्टेंस आपको क्या करेगा, आर ऑफर्ड करेगा। तो रेजिस्टेंस कैसे अपन फाइंड आउट कर पाएंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ओम्स लॉ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आपका होता है I इंटू आर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो V अपॉन I इज इक्वल टू आर, मतलब ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के अनुसार ये आपका आ गया वोल्टेज और करंट, मतलब ये आपका क्या हुआ, करंट इसके रेजिस्टेंस के एक तरह से देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या होगा, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा, है ना, और अगर आपकी यहाँ करंट की वैल्यू कम हो रही है तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में हम समझ सकते हैं। मतलब सीधा सा क्या है कि ये रिस्ट्रिक्ट करे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू द मटेरियल, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोला जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम रेजिस्टेंस के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में समझने में आपको आसानी हुई होगी। दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिएगा, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।